राजकुमार दशहरे का त्योहार है। हम बचपन में सुनते रहे ये त्योहार सभी त्योहार, लेकिन ये बात हम गरीबों पे पूरी तरह से सुननी बैठती जो क्योंकि हमारे पास तो सारा साल ही सेल लेने गए सेल ये बता दो ना बात कौन सुना है मैं आपके सामने बात रख रहा था कि आज दशहरे का त्योहार है। पूरे देश में सरकार की ओर से कल भी छुट्टी थी और आज भी छुट्टी है। सरकार ने इस देश को राम के नाम पे लूटने की जो कोशिशें की वो लगातार जारी है। आपने सड़क के पार एक बोर्ड दिखता होगा, वो हरियाणा में मंत्री है, 15 सेक्टर के गुड़गांव में रहते हैं, वो सीएम शर्मा नाम है। उसने अपने नाम के साथ लिख रखा है राम भगत। मैंने पहले भी बोलते हुए आपको बताया हुआ है वो जो सीएम शर्मा है राम भगत, उसका एक लड़का है सुमित शर्मा नाम है उसका, वो रेडियो से वसूली करता है और रेडियो की वसूली आपके नाम लगती है भाई। नगर निगम वाले करते हैं, जबकि नगर निगम वाले अपने हक की लड़ाई के लिए 1.5 महीने से यहाँ मैदान में है। तो अब आपके जिम्मे दशहरे के त्योहार के मौके पे एक और काम जुड़ गया और ये काम जुड़ गया जो सरकार के मंत्री जो सरकार के लगे बच्चे जो बाजारों में वसूली करते हैं और हमारे नाम लग रही है उनको भी पकड़ के पीटना पड़ेगा, क्योंकि हमें बदनाम करके ये लोग जनता में गलत संदेश दे रहे हैं। अखबारों में टेलीविजन खबरों में ये कह रहे हैं कि गुड़गांव में गंदगी के लिए जिम्मेवार ये कर्मचारी है। हम कहना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा फसल कौन सी है, आज क्या बताओगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ बहन जी, सबसे ज्यादा फसल दुनिया में कौन सी होगी आपके हिसाब से बताओ ना। गेहूँ होगी, बाजरा होगा, यही होगी, लेकिन नहीं, दुनिया में सबसे बड़ी फसल पेट की भूख और प्यास है और पेट की ओर
भूख और प्यास की जो फसल है वो पूंजीपति काट रहे हैं। कैसे? हमारी पेट की भूख के लिए हमें 15,000 से 10,000 रुपए में गोली लगा रहे हैं ये लोग। ये भूख की फसल है जो दुनिया में सबसे बड़ी है। पानी प्यास प्यास की फसल, नगर निगम का कैंपस है ये, सरकारी पानी आता है यहाँ, लेकिन एक आदमी जिसके हाथ में ताकत है वो सेंटर में मोदी जैसे लोगों के साथ उठता बैठता है, उसका नाम नगर निगम के गेट के बाहर लिखा हुआ है। और यहाँ से सरकारी सप्लाई के पानी को पैसे लोगों को बेचने का कारोबार है। ये जो कारोबार दुनिया में चल रहा, ये जो पूंजीपतियों ने कारोबार खड़े किए, ये जो सबसे बड़ी फसल है, ये पूरी दुनिया में हाहाकार जो मचा है। ये जो दशहरा है, ये तो हम लोगों को लूटने की साजिश नहीं है। पूंजीपतियों ने अपनी दुकानों में जब माल की खपत नहीं होती थी, हर महीने एक त्यौहार बनाया और सारा महीने हमारे से मुफ्त में काम कराया और फिर बताया खाइए त्यौहार तालिए त्यौहार। हम तो कर्जे में आगे भाई, मेरे से बड़े उम्र के सब जानते होंगे कि क्या हालत रही है। उधारा लेकर के खाया है त्यौहारों के नाम पे, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा क्या मायूस हो। मैं यहाँ से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पुतला आपने बनाया ठेकेदारी पड़ता समाप्त हो, इसके आगे एक अक्षर और होना चाहिए था, ये समाप्त लिख दिया। समाप्त होती तो हम यहाँ थोड़ी होते, समाप्त हो ये अक्षर इसमें बकाया है। और ये अक्षर बकाया इस वजह से नहीं है कि लिखने वाले ने छोड़ दिया, ये इस वजह से है कि अभी भी हमारे भाई और बहन ये बात नहीं समझते हैं कि हमारे को ये ठेकेदार कहाँ से पैदा करके हमारे ऊपर ले आ जाता है। जब तक हम उन सारी बातों को नहीं समझेंगे तब तक ये ठेकेदार हम हर साल जैसे रावण दहन करते हैं, तो हर साल हमने ये ठेकेदार मार्च के महीने में इसको भी फूकना पड़ा करेगा। तो क्योंकि पहले तो ठेका आपका ही कहा गया, अब और भी कई ठेकों की अखबारों में खबर सुनने को मिली है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम इन सारे ठेकों के खिलाफ, हम इन ठेकों के विपरीत एक आंदोलन जो गुड़गांव से हमने तैयार किया है और जो दुनिया की सबसे बड़ी भूख और प्यास जो फसल है उनको समाप्त करने की लड़ाई जो दरी से आपने शुरू की है, इस लड़ाई को हम जागरूक होकर सड़कों पर लड़ते हुए वोट तक पहुंचेंगे और इसको वोट की चोट में तब्दील करके जो हमारे नाम पे दुकानें सजा रहे उन लोगों से ये सवाल पूछते हुए कि आप बताइए साल में वाल्मीकि जयंती एक ही दिन मनाई जाती है और वाल्मीकि को सारा साल अपमानित किया जाता है, इसका जवाब क्या है? ये सवाल हमें हर बीजेपी के हर बीजेपी समर्थक ये जो बड़े बड़े बोर्ड लगे पूछना पड़ेगा कि हमारे भाई हो ये पैसा कहाँ से आता है, इतने महंगे महंगे बोर्ड, इतने महंगे महंगे होल्डिंग किसके दम पर लगते हैं, वहाँ पर कोई और आएगा और हमारी सिरों की गिनती वहाँ पर होगी, उसके बदले में ये सब हो रहा है। इन बातों को पहचानते हुए आज दशहरा के दिन मैं आपको ये काम सौंपते हुए कि ये जो बुराई कर रहा है तो हर दिन हमारे को झेलना पड़ता है। हमारी बहनें मुंह अंधेरे घर से आती है, काम पर आती है, उनको बच्चे बाद में स्कूल गए नहीं गए कुछ भी पता नहीं चलता, और वो बच्चे थोड़े से बड़े हुए वो हमारे साथ एक लाइन में लगते हैं, पहले हम ठेके पे फिर बच्चे ठेके पे। मैंने देखा है यहाँ भी एक परिवार के सारे लोग ठेके पे काम कर रहे हैं, बाप रिटायर की उम्र का हो गया वो भी ठेके पे,
देखता वो भी देखते हुए ये जो काम है ये केवल हम ही कर सकते हैं। हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि दुनिया की कोई भी जिंदगी वो हमारे हाथों से जब साफ हो सकती है तो सब उससे भागते हैं, वो हमारे से साफ हो सकती है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी बुराई ठेकेदारी पर था, ये भी हमारी समाप्त होगी। ये मैं आपसे उम्मीद करते हुए आपके इस आंदोलन को हम जीतेंगे इस उम्मीद के साथ आप सबने आज त्योहार के दिन भी यह आना पड़ा। मानत है इस सरकार पे जो राम भगत होने का नाम रखती है, मोदी इसका मुखिया है। ये जो मोदी की तानाशाही में देश के अंदर जो एक घमासान मचा हुआ है, गरीब को उजाड़ने की जो नीतियाँ मोदी लेकर आ रहा है, इन मोदियों को टक्कर देने के लिए हम मैदान में हैं, आप मैदान में हैं, हम लड़ेंगे जीतेंगे। इसी के साथ आप सबने मुझे सुना, धन्यवाद आपका।